आज मैंने ट्विटर पे एक वादा किया था दर्शकों से कि आपको मनीष ठाकुर शो में एक ऐसे तथ्य से परिचित कराऊंगा, जिस समय मोदी का भाषण चल रहा था, खत्म होने वाला था, उसी समय मैंने किया था कि मोदी के संबोधन में जो मोदी ने आज लोकसभा के अंदर बोला है, 2 घंटे 14 मिनट का भाषण था वो, और मैंने 1 सेकंड भी मिस नहीं किया, उसकी कोई लाइन मुझसे मिस नहीं हुई है, पूरा मैंने सुना बड़े ध्यान से। और वो 2 घंटे 14 मिनट के भाषण ने एक नया इतिहास बनाया भारत के लोकतांत्रिक इतिहास, जो लोकतांत्रिक इतिहास में, संसदीय इतिहास में आप कह सकते हैं, एक नया पन्ना जोड़ा, बड़ा स्वर्णिम पन्ना जोड़ा है। और वो जो पन्ना जोड़ा है, वो जो तथ्य है, वो इन सारे खैरातियों को, बलात्कारी पांडे, सनसनीबाज, और धान गेहूं शर्मा, फलाने दिमागे, बुढ़िया अरफा, ये जितने हैं, इन सबका मुंह काला कर देता है। और उसको मनीष जी किसी ने नहीं पकड़ा, नहीं, ये न्यूज चैनलों से तो खैर आप कहते हैं कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जरूरत नहीं है, तो वहां तो लिपस्टिक काजल आजल लगा के चमेली तेल बैठ जाओ और परपंच करो, इसी काम के लिए लगे रहते हैं, किसी की बुद्धि में वो चीज नहीं आई। और संभवता मनीष जी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी उस चीज को नहीं पकड़ा है उन्होंने, नहीं तो ट्वीट आ गया होता, या हो सकता है हाथरस की वजह से उन्होंने ना किया उसको। लेकिन आज बताता हूँ और आपको आनंद आएगा कि क्या गजब का एक आज वो जो पहलू है, उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि नरेंद्र मोदी कहाँ है और ये राहुल गांधी कहाँ है। जैसे कहते हैं ना कि अर्श और फर्श, तो वो अर्श पे है, जो फर्श पे है, जैसे मूंछ का बाल पूंछ का बाल होता है फर्क, वही फर्क है। जो फर्क आपको समझ में आया कर लीजिए कि राहुल गांधी उनके रोए बराबर नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के किसी मामले में, ना राजनीतिक क्षमता में, ना वाक क्षमता में, ना तर्क क्षमता में, किसी मामले में रोए बराबर नहीं है। उन्हें अगर नरेंद्र मोदी सोने के ढेर है तो वो कूड़े का ढेर है, इतना फर्क आप समझ लीजिए। और अब जो बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप सहमत हो जाएंगे कि मनीष जी, इससे पहले का मैं 1996 से लोकसभा की डिबेट जो है इनका वो शुरू हुआ प्रसारण लाइव, तो वैसे मुझसे भी सुनी होगी, लेकिन जो कभी प्रधानमंत्री, जो भी अटल जी रहे हो तब अटल जी के समय की प्रधानमंत्री की डिबेट मैंने कभी कोई छोड़ी नहीं, मुझसे छूटी नहीं है, मिस नहीं है, नरेंद्र मोदी की भी, जो जिस दिन वो बोलते हैं तो मैं उसको सुनता हूँ समय निकाल के। और दर्शक जरा याद करें, जो मुझसे सीनियर है, कि प्रधानमंत्री जब इस तरह की बहस में बोलते हैं तो एक नहीं, 2-3-4 मौके ऐसे आते हैं कि नेता विपक्ष खड़ा होता है और उनको टोकता है, और जब टोकता है तो प्रधानमंत्री मोदी उसको जवाब दे, मोदी का जो चाहे अटल जी रहे हो या जो भी रहा हो, वो उसको टोकता है कि नहीं, तुम्हारा तुम्हारा सवाल है तो इसका तथ्य ये है, ये होता है, टोका टाकी होती है, कभी नहीं होता बिना टोके। और ये 10 साल में, पिछले 10 साल के अंदर जब खड़गे था तो खड़गे टोका करता था, या उसके बाद अधीर रंजन चौधरी भी 2-3 बार जरूर कूदता था, उछलता था, अपना उल्टा सीधा बोलता था, उसको जवाब मिल जाता था, वो बैठ जाता था, लेकिन वो टोकता था 3-4 बार। मनीष जी आज 2 घंटे 14 मिनट की उस बहस में राहुल गांधी एक बार सनका नहीं। क्या ये अंतर आप जी समझिए, बहुत बड़ा अंतर है कि उसके समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या खा पी के आया था, सन नजर उसके खोपड़ी के ऊपर से गुजर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जितने तथ्यों की बात कर रहे थे, जिन तथ्यों की बात कर रहे थे, अपनी सरकार की जिन उपलब्धियों की बात कर रहे थे, एक बार तो खड़ा होता कि नहीं इस पर जरा ये जवाब दीजिए, बुद्धि ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, पूरी ऊपर वाला माला पूरा खाली है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिटिंग प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 14 मिनट का भाषण दिया और वो नेता उसे एक बार विपक्ष भी रोका नहीं गया कहीं। अरे खड़ा नहीं हुआ, सांस नहीं आई। तो मनीष जी, प्रधानमंत्री के भाषण में टोकने के लिए क्षमता चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, तो ये इसका जरा रिकॉर्ड निकलवा लेंगे और लोग भी, कि मेरे ख्याल से पहला अकेला भाषण है, पहला भाषण है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की क्षमता और उनकी सफलता का कीर्तिमान है, और राहुल गांधी के नकारेपन, निकम्मेपन, क्या कहूँ, क्षमताहीन होने का ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि उसके पास कोई तथ्य ही नहीं है, उसके पास कोई सवाल ही नहीं है इस देश को लेके, देश की किसी समस्या को लेके, वो ब्लैंक है, जैसे ना कार्य क्लीन स्लेट, साफ स्लेट। तो ये इस बात को मनीष जी किसी ने गौर ही नहीं किया। मैं देख रहा था सारे चैनलों पे ये वीडियो और वो वीडियो, मोदी ने कह दिया, मोदी ने वो कह दिया, सबसे बड़ा तो वो बयान है जो मोदी ने नहीं कहा कि 2 घंटे 14 मिनट में मोदी ने बताया कि ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता, इसको ना संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, ना इसको मसलों और मुद्दों का ज्ञान है, अगर इसको ज्ञान होता तो खड़ा तो होता,
ये कम से कम उस पर बात करता है नीट में, ये देख लीजिए, आए भाई साहेब आए मेरे भगवान जान से, जो इसके लिए बड़ा मशहूर है, पता नहीं क्या खा पी के आया था ये। और ये और ये तो आज वाला है सर, देखिए कि बेचारा सोच हो ही नहीं पा रहा कि क्या हो गया ये। और ये आपने सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकाली है कि ये आदमी सचमुच 2.25 घंटा पीएम बोले, एक बार भी इसने नहीं टोका, एक बार भी इसने नहीं टोका। और ये मनीष जी, ये बलात्कारी पाड़े और सनसनीबाज और धान गेहूं शर्मा और बुढ़िया अल्फा, ये जितने हैं गैंग, इनके मुंह पे जोरदार थप्पड़ है कि इस देश का प्रधानमंत्री 2 घंटे 14 मिनट अपनी बात कहता रहा और विपक्षी नेता बैठा घूंगे बैरे की तरह बैठा रहा सामने टेबल पे। इसका मतलब प्रधानमंत्री जो कुछ बोल रहे थे एक एक शब्द सच था, इसका मतलब एक एक शब्द सच था, जिसको काटने की औकात उस राहुल गांधी में नहीं थी। इतना नकारा और निकम्मा है और देश का प्रधानमंत्री इतना सफल प्रधानमंत्री है कि उसकी 2 घंटे 14 मिनट का भाषण मनीष जी लिखेंगे तो 30-40 पन्नों में आएगा। मोदी थोड़ा तेज बोलते हैं जल्दी, मतलब अगर जल्दी के तो वो पूरा 2.25 घंटे भाषण दे डाला और एक बात पे भी राहुल गांधी की औकात नहीं हुई कि टोक दे। क्यों? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री ने जो किया है, जो कहा है, उसमें 100% वो सही है और ये 100% गलत है। इसका मुंह काला हो जाता, ये बोला ही नहीं, इसकी समझ ही नहीं आया, कुछ खा पी के आया था, पता नहीं कौन सी सिगरेट पी के आया था, भगवान जाने, जिसके बड़ा मशहूर भी है। तो आज इस तथ्य को किसी ने नहीं पकड़ा था, मैंने कहा था कि आज मैं बताऊंगा और दर्शक मेरी बात से सहमत हो गए, जो मैं तथ्य बता रहा हूँ ये किसी ने आज जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के इस पक्ष का किसी ने विश्लेषण नहीं किया, किसी ने बात नहीं पकड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, उसकी वजह क्या होगी, क्या उन्होंने जो बार बार बालक बुद्धि कहा वो